नमस्ते प्यारे बच्चों, चलिए आप सभी का फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत है। हमने क्या सीखा था? हमने पिछली कक्षा में हमने सीखा था क्या, स्वर को सबसे पहले हमने दोहराया था, उसके बाद हमने क व्यंजन सीखा था। व्यंजन की पहली लाइन हमने सीखी थी, हमने बोलनी सीखी थी। ठीक है बच्चों, आज हम उसको लिखना सीखेंगे। कैसे लिखेंगे हम बताते हैं आपको। चलिए सबसे पहले तो हम व्यंजन का सबसे पहला लाइन आपको बताते हैं, दोहराते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्या है हमारा व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये है हमारा व्यंजन। व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारा व्यंजन का कौन सा लाइन हमने बोलना सीखा था मैं बताती हूँ। क ख ग घ हम सिर्फ दो अक्षरों को लिखना सीखेंगे। कौन कौन से अक्षर लिखना सीखेंगे हम? क और ख। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे लिखते हैं मैं बताती हूँ, उसी तरह आपको लिखना है, लेकिन ध्यान से देखिए आप। ठीक है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड सर्कल, फिर इसके बीचों बीच आपको एक पूंछ बनानी है। कैसी पूंछ? किसकी होती है पूंछ? बंदर की होती है ना? देखा है ना? इसी तरह ये हमारा क बनेगा। फिर से मैं आपको दोहराती हूँ, बताती हूँ। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल। ठीक है, उसके बाद बीच में हम किसका, ये पूंछ बना दिया। ते ते को हम क्या कहते हैं हिंदी में? पूंछ। तो इस तरह से हमारा बनेगा क। क से हमने क्या बताया था? कमल। क से कबूतर भी होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या बन गया ये क। स्लीपिंग, स्टैंडिंग, राउंड सर्कल करो यहाँ पर बीचों बीच सेंटर में। ठीक है, लाइन के जैसे ये लाइन है हमारा, इसके सेंटर में हम ऐसे एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एक पूंछ जैसी बना देते हैं, है ना? ठीक है बच्चों, देखा क क्या बन गया ये क। क से कमल। कमल मीन्स लोटस। ठीक है, कमल एक क्या है? फूल है। क्या है बच्चों कमल? कमल एक फूल है, फ्लावर है। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में लोटस भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड लेटर। सेकंड लेटर हम कैसे लिखेंगे चलिए मैं बताती हूँ। स्लीपिंग लाइन, राइट हाफ सर्कल, फिर यहां से आप लेंगे जैसे आप लेते हैं ना यू फॉर अम्ब्रेला, है ना? यू फॉर अम्ब्रेला आप कैसे लिखते हैं? एस। ठीक है, लेकिन यहां पर हमको कैसे लिखना है? ये बन गया हमारा क का हाफ सर्कल, फिर यहां से टच करना है। ठीक है, जैसे यू। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ देखते हैं। हमने बनाया हाफ सर्कल, यहां से हमने लिया यू जैसा, यू शेप। फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर मीन्स गो अप, देन कम डाउन, सेम लाइन। ठीक है, अब इसके बीच में हमको ऐसा छोटा सा सर्कल बनाना है। तो ये क्या बन गया हमारा? ख। ख से खरगोश। क्या बोलेंगे हम? ख। ख से खरगोश। तो फिर से मैं आपको
प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है? बोर्ड देखिए, स्लिपिंग लाइन, हाफ सर्कल, अगेन यू गो जस्ट लाइक यू फॉर अम्ब्रेला, फिर गो अप एंड सेम लाइन से नीचे आओ, कम डाउन, फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, पूरे सर्कल बनाना है, बन गया खा, ठीक है बच्चों? ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं, स्लिपिंग लाइन, हाफ सर्कल बना दिया, ठीक है? फिर उसके बाद हमने यू ले लिया, यू बना दिया, फिर जैसे स्टैंडिंग ऐसे भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से हम नीचे आएंगे, तो ये और यहाँ पर बीच में सर्कल कर देंगे, ठीक है बच्चों? हमने आज क्या सीखा, क और ख, ठीक है बच्चों? ये हमारा व्यंजन अक्षर का पहला लाइन है, ठीक है? पहले लाइन में हमने क्या सीखा था, क ख ग घ अंग, ठीक है? अब हम इस दो अक्षरों की लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, दो अक्षरों की हम क्या करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जिससे कि आपको अच्छे से लिखना आएगा, ठीक है बच्चों? ठीक है, देखिए फिर से मैं दोहराऊं, ये है हमारा क, फर्स्ट लेटर क, ओके? पहला अक्षर हमने क्या लिया, क, क हमने कैसा लिखा, ओके? आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब ख हमने कैसे लिखा, ठीक है बच्चों? हमने प्रैक्टिस आपको दिया है क और ख का, इसको आप लिखने का अभ्यास करेंगे। पहले दिन हमने क्या किया था, बोलने का अभ्यास, बोलने का अभ्यास किया, आज हमने क्या किया, लिखने का अभ्यास किया, ठीक है बच्चों? तो इसी तरह आप लिखने का अभ्यास करते रहेंगे, और जब भी लिखेंगे ना तो क्या करेंगे, हम बोल बोल कर लिखेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हम बोल बोल कर लिखेंगे, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, फिर आप बोलने का, आप किसी पूछा किसी ने तो आप उसकी क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है बच्चों? इसी तरह हमको लिखने की अभ्यास करेंगे, ठीक है? ओके चिल्ड्रन, बाय, फिर मिलते हैं।